हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। एक वर्ड जो करोल बाग को डिफाइन कर दे वो है शॉपिंग। शॉपिंग करते करते खाने का मजा लीजिए या फिर हमारी तरह खाते खाते शॉपिंग का मजा लीजिए। थैंकफुली करोल बाग मार्केट के बाहर ही मेट्रो स्टेशन है। आज के दिन का हमारा ऑब्जेक्टिव है करोल बाग का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना। चलिए चलते हैं। मुझे लगता है भटूरा जितना ज़्यादा क्रिस्पी और फ्लफी होता है खाने की टेम्पटेशन उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले चने टेस्ट करते हैं। अमेजिंग। सबसे बढ़िया अभी ये बात है कि बनाने वाले ने बिल्कुल अज्यूम नहीं किया कि खाने वाले को कितना ज़्यादा तीखा पसंद होगा या मसाले पसंद होंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट है चने का। मेरे को इसके भटूरे में ऑयल बड़ा कम लग रहा है। खाने के बाद हलवाई से बात करेंगे पता लगाने के लिए कि ये क्या रीज़न है कि इसके अंदर ऑयल बहुत कम है। हम पतला घी इस्तेमाल करते हैं जिससे भटूरे में घी नहीं उठाता। हमें 30-35 साल हो गया यहाँ काम करते हुए, हम इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं और भटूरे के अंदर पीठी भरते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आता है। हार्ट शेप टिक्की, बढ़िया डिज़ाइन है। अंदर दाल की फीलिंग है, पिट्ठी बनाकर मज़ा आ रहा है। थोड़ा चटनी ज़्यादा लगा के देखते हैं। चटनी अलग से टेस्ट करने का मन हो रहा है। अमेजिंग चटनी। मैंने बिलीव करना ऐसी चटनी आज तक नहीं खाई। मैं जानता हूँ ओनर से कि इसके अंदर खटास के लिए क्या डाला है, इमली या ड्राई मैंगो अमचूर बोलते हैं जिसको। सर मीठे में हम गुड़ यूज़ करते हैं और खट्टे में अमचूर, और मसालों में हरा धनिया मिर्ची अदरक वगैरह यूज़ करते हैं, धनिया पुदीना। गोलगप्पे ट्राई करते हैं यहाँ के। ये क्या आटे के गोलगप्पे? सर ये आटा और चावल और पापड़ का आटा मिक्स है इसमें। एक बार एक दिखाओगे? ओह गॉड, ये गोलगप्पा है कि क्या है? एकदम क्रिस्पी ढंग से मुंह के अंदर जैसे फटी गया हो। क्या चीज़ है ये आटे के साथ? आटा चावल मिक्स है और पापड़ का आटा भी इसके अंदर मिक्स है। पहली बार मैंने दिल्ली में ऐसे गोलगप्पे खाए हैं आटे के, जिसमें आटा चावल और पापड़ मिक्स करके गोलगप्पा बनाए। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, इतने क्रिस्पी गोलगप्पे मैंने आज तक नहीं खाए। थोड़ा पानी पिला दीजिए। एक आलू का पकौड़ा, एक प्याज का पकौड़ा और एक पनीर पकौड़ा। पहले प्याज पकौड़ा ट्राई करता हूँ बिना चटनी के। गजब है, इतने स्वाद प्याज पकोड़े मैंने आज तक कभी नहीं खाए। आपको मैं क्लोजअप व्यू दिखाता हूँ अंदर के मसाले की फिलिंग की। प्याज के अंदर मसाले की स्टफिंग है जिसकी वजह से स्वाद इतना बढ़िया आ रहा है चटपटा। एक बाइट पनीर पकोड़ा के ली जाए। सेम कॉन्सेप्ट है प्याज वाला, जैसे प्याज के अंदर मसाले फिलिंग है सेम पनीर के अंदर भी मसाले के अंदर फिलिंग है। क्लोजअप व्यू इसका भी दिखाते हैं आपको। यहाँ आने के लिए लैंडमार्क है नियर दिव्या कॉलेज। सरदार जी पकौड़े वाले के नाम से ये दुकान जानी जाती है। काफ़ी पुरानी, 25-30 साल पुरानी ये शॉप है।
हो सकता है आप कभी ना कभी अगर आप दिल्ली आए हैं तो यहाँ आए होंगे या ओम भटूरे में आए होंगे या सिंधी कॉर्नर में आए होंगे, तो हमसे एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करना कमेंट्स के अंदर। अभी आगे चलते हैं ये खाकर। इस टाइम मैं अजमल खान रोड की क्रॉसिंग में हूँ। मेरे सामने ये जनक स्टोर्स है और ऑपोजिट साइड पे जैनसंस और सामने आहूजा संस, काफ़ी पुरानी शॉल्स की दुकान है। अभी हमें जाना है गोलगप्पे खाने रूपक स्टोर के बाजू वाली गली में। ये रूपक स्टोर भी काफ़ी पॉपुलर ड्राई फ्रूट की दुकान है। हाँ जी भाई साहब, गोलगप्पे खिलाइए। क्या रेट है? 20 रुपये के 4 गोलगप्पे। वेरी गुड। गोलगप्पे तो है ही है लेकिन ये पानी का तो कमाल है, मजा आ गया। पानी के लिए क्या चटनी बनाते हो, क्या बनाते हो? पानी मसाला इसको तैयार किया गया है, काली मिर्च, पुदीना, धनिया, काला नमक, सफ़ेद नमक, जीरा, इसे बना हुआ है। वैसे गुजरात संस ग्रूम वियर के लिए काफ़ी पॉपुलर है, दूल्हे के काफ़ी कपड़ों का सामान यहाँ पर मिलता है सिंस मैनी मैनी ईयर्स। करोल बाग अजमल खान रोड में रूपक की एक तरफ तो है गोलगप्पे वाला और दूसरी गली के अंदर है करोल बाग चाट हाउस। यहाँ मैं आज आपको एक बड़ी स्पेशल डिश दिखाने लेके जा रहा हूँ जिसका नाम है मूंगलेट। चल के दिखाते हैं मूंगलेट क्या चीज़ है और मूंग दाल से कैसे बनता है। इस डिश का नाम है मूंगलेट। इसे मूंग दाल से तैयार करा गया है। इसमें हमने कुछ स्टफिंग की गई है, जैसे ऑनियन है, कैप्सिकम है और स्वीट कॉर्न है। इसे हमने मक्खन से तैयार करा है और 3 चटनी से सर्व करते हैं हम इसे। जैसे हमें खजूर की चटनी है और अमचूर से बनी चटनी है और मिंट से बनी चटनी है। इस इनोवेटिव डिश का नाम है मूंगलेट। मूंग दाल के चिल्ले की तरह ही है लेकिन डिफरेंस क्या है, इसकी फ्लफीनेस, बाहर की हार्डनेस और अंदर की सॉफ्टनेस। मैंने 2-3 बाइट ले ली हैं, गजब का टेस्ट है। सबसे बढ़िया क्या लग रहा है मेरे को यहाँ पर, जो साथ में भाई साहब ने चटनी दी है खाने के लिए, वो है खजूर की। ऐसी टेस्टी खजूर की चटनी मैंने आज तक नहीं खाई। गफार करोलबाग मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें बेस्ट प्राइजेस में मिलते हैं। मुझे लगता है इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट का हब और कहीं नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। यहाँ पर भटूरे मिलते हैं 35 रुपये प्लेट और 2 समोसे मिलते हैं 10 रुपये के, यानी 5 रुपये का एक समोसा। मेरे को लगता नहीं कि दिल्ली में अब कहीं भी 5 रुपये का एक समोसा मिलेगा इस जगह के अलावा। और सबसे बढ़िया समोसे का टेस्ट बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। इस टाइम मैं बैंक स्ट्रीट करोल बाग में हूँ। मेरे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ज्वेलरी की काफ़ी सारी शॉप्स हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर दूर दूर से ज्वेलरी खरीदने आते हैं। मेरे अंदाज में कम से कम 150-200 दुकानें ज्वेलरी की तो यहाँ पर ज़रूर होंगी। इस समय मैं सिटी हॉस्पिटल की बैक साइड में हूँ। इस रास्ते को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ फूड जॉइंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स हैं। उन्हीं में से मैं आपको कुछ अमेजिंग फूड जॉइंट्स के पास लेके चल रहा हूँ। एक चिकन रोल, फर्स्ट टाइम यहाँ पर? नो सर, पीछे क्लासेस होती हैं, यहाँ रेगुलर आते हैं। मैं इस जगह 5 या 6 साल पहले एक बार आ चुका हूँ। काफ़ी पसंद है मेरे को यहाँ का चिकन रोल। खास बात क्या है कि अंदर से चिकन काफ़ी बढ़िया ढंग से फ्राइड और मसाले तो रोल के अंदर पसंद आते ही आते हैं, स्पेशली इस जगह के। हम आप लोगों को जो भी बर्गर सैंडविच खिलाते हैं A+ क्वालिटी का होता है और जो लोग खा रहे थे वो आज अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं खाने के। जो दीपक भैया का जो सैंडविच है हो या बर्गर हो, जो पिछले 20 साल टेस्ट था
जब मैं स्कूल टाइम में आता था वही टेस्ट आज भी है। आज मैं अपने बच्चों को भी लेके आता हूँ, वो भी कहते हैं पापा कुछ तो डिफरेंट है ये करोल बाग के अंदर ये दुकान, ना कोई बोर्ड है ना कुछ है, फिर भी नाम चलता है। मैं हर हफ्ते यहाँ पे आता हूँ और मेरा चैलेंज है कि जहाँ पे एक बार ही सैंडविच और बर्गर खा लोगे पूरी दिल्ली से लोग यहाँ पे खाने आते हैं। टेस्ट इज़ वेरी यूनिक। मेरे एक फ्रेंड ने रेफरेंस दिया था इस जगह का फॉर वेज सीख कबाब, आज मैंने टेस्ट भी कर लिया, अच्छा टेस्ट लगा है। उड़द की दाल और कुछ सब्जियों को मिलाकर ये सीख कबाब तैयार किया है, काफ़ी क्रिस्पी है और टेस्टी है। प्याज और चटनी के साथ तो ऑब्वियसली खासी मज़ा आता है। सुबह 9:15 बजे से करोल बाग घूमते घूमते शाम के 7:30 बज चुके हैं। बड़ा थॉरली आज हमने करोल बाग एक्सप्लोर किया है, शॉपिंग कम करी है लेकिन स्ट्रीट फूड ज़्यादा इंजॉय किया है। इस टाइम मैं गफार मार्केट के सामने हूँ। एक चीज़ मैंने एंड ऑफ द डे के लिए छोड़ रखी थी, वो है यहाँ की मशहूर रोशन दी कुल्फी। पास ही में यहाँ से मैं चल के आपको वो शॉप दिखाता हूँ। भाई साहब एक मैंगो फलूदा कुल्फी, रोशन दी कुल्फी को करोल बाग में किसी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली आए हैं और कभी करोल बाग आए हो तो आई एम श्योर आप रोशन दी कुल्फी जरूर आए होंगे। मैं भी यहाँ 4-5 बार पहले आ चुका हूँ पिछले 20 सालों के अंदर, मेरे को यहाँ की कुल्फी बहुत पसंद है। आज फॉर अ चेंज मैंने मैंगो कुल्फी ऑर्डर करी, आमतौर पर मैं पिस्ता कुल्फी यहाँ पर आके खाता हूँ और मैंगो का फ्लेवर भी मेरे को अच्छा लग रहा है, तो इनफैक्ट पहली बार खा रहा हूँ मैंगो फ्लेवर यहाँ पर। अमेजिंग है कुल्फी, काफ़ी गाढ़े दूध से बनी है, मज़ा आ गया। कुल्फी खा ली है, आज का हमारा दिन एंड होने को आया है। 7:45 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट पूरा दिन हमने आज सिर्फ घूमा है और इंजॉय किया। करोल बाग मेरे लिए यादगार रहेगी आज का दिन, करोल बाग का विजिट। बाय द वे अगर अभी तक आपने वीज़ा टू एक्सप्लोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी करोल बाग रिलेटेड कुछ यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ का स्ट्रीट फूड या जहाँ जहाँ हम लेकर गए आपको वहाँ से कुछ जॉइंट्स में आप ऑलरेडी आ चुके हैं तो हमसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा, हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का। Thanks for your time.